अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ना जाने लोग कब ऐसे मासूमों की जिंदगियों के साथ खेलना छोड़ेंगे। क्यों पुलिस खामोशी इख्तियार की हुई है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और मीडिया की आड़ में अपने धंधे चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर SB इंक्वायरी होनी चाहिए। कल तक पैदल फिरने वाले लोग आज महंगी गाड़ियों में कैसे फिर रहे हैं। जब हम आवाज उठाते हैं तो ये सारे जितने काले धंधे करते हैं एक हो जाते हैं। लेकिन क्राइम टुडे न्यूज हक बताता आया है और बताता रहेगा। हम ये सारे चीज इसलिए कह रहे हैं कि एक दर्दनाक वाकया चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद बाबा नगर इलाके में देखने को मिला, जहां पर होटल स्पेस बावर्ची जिसकी जानिब से लकड़ी रोड पर डाल दी जाती है और यही वजह से एक RTC बस की जद में आकर 18 साल लड़की की मौत वाकई हो गई। इस लड़की का नाम अंतुर रहमान मुनज्जा बताया जा रहा है। ये कलम जूनियर कॉलेज की सेकंड ईयर तलबा थी। ये वाकया आज सुबह 8:45 हुआ, आप CC कैमरे के जरिए देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ यहाँ के रिपोर्टरों की बैठक होती है, यही वजह से ये होटल की हिम्मत इस कदर बढ़ चुकी है कि इसको किसी का भी खौफ डर नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं और कुछ यूट्यूब चैनल डालकर इसकी आड़ में दूसरा कारोबार चला रहे हैं। पुलिस को चाहिए और SB को चाहिए कि ऐसे लोगों पर नजर रखें ताकि ये जो पेशा है ये बदनाम ना हो। बहरहाल चंद्रानगुट्टा पुलिस इस मामले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और RTC बस के उस ड्राइवर को भी अपनी हिरासत में ले ली और इस होटल पर भी केस दर्ज किया। GHMC हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस के अहदेदार ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि ऐसे होटलों पर नजर रखे और ऐसे होटलों को बंद किया जाए। अब ये लड़की की मौत के जिम्मेदार कौन है, हमारा खोखला सिस्टम या फिर ऐसे लोग जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। देखना है कि हुकूमत तेलंगाना और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। मेहमिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। टू हंड्रेड आवर्स टाइम पे एक कंप्लेंट आया, क्या हुआ कि बच्ची को फैटल एक्सीडेंट का कुछ कंप्लेंट आया। इमीडिएटली जाके उसको देख लिया, एक थोड़ा वेरीफाई करने के लिए। बच्ची का नाम अमतुर रहमान, ये 17 ईयर्स, रेजिडेंस ऑफ बाबा नगर। क्या हुआ, एक RTC बस उनको पीछे से मारने के लिए ऊपर टायर, बैक का टायर ऊपर से गया, थोड़ा इंजरी हुआ। उन्हीं के लिए इमीडिएटली जाके वो शिफ्ट करने के बाद हॉस्पिटल, OAC हॉस्पिटल को शिफ्ट करे। वो ट्रीटमेंट चल रहा के टाइम पे उन्हों मर गया। उन्हों बच्ची इंटरमीडिएट सेकंड ईयर पढ़ रहा, वो खालम जूनियर कॉलेज है। कितने लोगों पे केस बुक हुआ? वो दो आदमी के ऊपर केस बुक हुआ, 32 क्राइम नंबर 32/19 अंडर सेक्शन 304A IPC। ये होटल की वालों के ऊपर सर स्पेशल पर्ची वालों पर केस हुआ? नीचे वो ड्राइवर को 304A रहता, उनके ऊपर 304A, उन्होंने लकड़ी डाल दिया ना, वो बाजू को लकड़ी डाल दिया, वो लकड़ी का बारे में उनको A2 बुक करे उनको। वो होटल पे सर अक्सर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वहां पर अक्सर एक्सीडेंट हो रहे हैं होटल वालों की तरफ से। होटल वालों से क्या हुआ, वो लकड़ी डाल दिया वो टाइम पे, कभी भी उसमें नहीं था, वो टाइम पे लकड़ी डाल दिया। वो बच्ची उस तरफ जा रहे टाइम पे पीछे से गाड़ी आ रहा, वो पीछे से मारने के लिए वो गिर गया। वो गिर गने के बाद पीछे का टायर ऊपर गया। तो होटल वालों को भी अरेस्ट करें सर? कर रहे हैं, दोनों की ऊपर केस बुक करे, उन दोनों की अरेस्ट करके उस तरफ चल रहा, अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा। मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दुल्हा दुल्हन बाराती बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी, खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, शरारा सूट, कोट सूट्स, डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली AC मॉल, मखदूम्स बिग मॉल, ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, 4 मीनार रोड, हैदराबाद।